श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांग जनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु जी ने कहा तुझे समझाना तो बेकार है भैया, अपने बस का नहीं। एक दिन फिर राजा है, अब देखता हूं क्या सीखा। सुंदर बेटे को हृदय से लगाया, सिर सूंघा, बेटा क्या पढ़ा है, कैसी चल रही पढ़ाई? पिताजी बहुत सुंदर पढ़ाई चल रही है। अच्छा क्या सीखा है? अब की बार मैंने 9 बातें सीखी हैं। कौन सी 9 बातें? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति सीखी है पिताजी। जिसके पास इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है उसका, जो जिसके पास 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति हो। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा। हिरण्यकश्यप ने कहा यहां तो कोई ना कोई जरूर है भड़काने वाला, अरे भाई इसको ठिकाने लगाओ, इसको प्रहलाद को ठिकाने लगाओ। अगर ये आगे बढ़ गया, इसकी जो नारायण में जो भक्ति है इसकी, अगर ये आगे बढ़ गया तो ये कैंसर का रोग समझ लो, क्योंकि कैंसर का रोग एक अंग को हो जाए, अगर कटवाया नहीं उसे तो वो धीरे 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 सारे शरीर को खराब कर देगा। ये हमारा पूरा दानव वंश खत्म कर देगा। कंटी झोली लेकर के आ जाएंगे सबके सब, फिर तो रह गए दानव। इसको ठिकाने लगाओ, अपने दैत्यों को बुला करके पहाड़ से गिरवा दिया। जैसे पहाड़ से फेंका प्रहलाद जी को, तुरंत भगवान ने गरुड़ को भेजा और गरुड़ की पीठ पर फिर पुनः वापस आ गए। शेरों के सामने डाल दिया, मतवाले हाथियों के सामने, नागों के सामने, इतना तक कि होलिका को गोद में, होलिका को के पास एक चादर थी, चादर, उस चादर को ओढ़ देती थी तो आग नहीं लगती थी उसे। होलिका को कहा कि तू बैठ अग्नि में और इसे लेकर के बैठ, ये चादर ओढ़ देना, ये जल जाएगा तू बच जाएगी। लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि वो चादर जो थी वो प्रहलाद जी को ओढ़ी गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। इसलिए हम लोग होली जलाते हैं,
प्रहलाद जी वहां भी बच गए। एक दिन क्या क्या जब कहीं मरा नहीं प्रहलाद जी, तो फिर हिरण्यकश्यप ने ऐसी कैद में डाल दिया जो अंडरग्राउंड जेल कम से कम 10 मंजिला नीचे, यहाँ इसे हवा भी नहीं मिलेगी और ऊपर चारों तरफ सैनिक लगा दिए, एक बूंद पानी का भी नहीं जाना चाहिए। कई दिन बीत गए, प्रहलाद जी भगवान के भजन में हैं। आज अचानक भगवान नारायण के पास 56 भोग लक्ष्मी मैया लेकर के पहुंचे, और लक्ष्मी मैया जब भोग लेकर के पहुंची तो भगवान ने कहा आज भोग मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा जो छोटा सा भक्त है कितना कष्ट उसने सहन कर लिया, देवी आप ये भोजन ले जाकर के उसको खिला दीजिए। आज 16-17 दिन बीत गए, वो भजन में लगा है लेकिन भोजन की कोई चिंता नहीं, जाओ उसे भोजन कराओ। माँ लक्ष्मी छमछम करती हुई भोजन की थाल को लेकर के हिरण्यकश्यप की उस कैद में पहुंची, किसी को पता ही नहीं लगा योग माया कब आई। प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके भोजन कराया मैया ने, और भोजन कराने के बाद जब चले गई उसी समय सुगंधी चारों तरफ सुगंध आई भोजन की, महाराज किसने भोजन करा दिया प्रहलाद को, दो चारों को तो सामने ही खत्म कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कि तुम कहां थे, भोजन किसने पहुंचाया, जेल में पहुंचा बाहर निकाला, क्यों भाई कौन ले आया भोजन तुझे, यहां किसने खिलाया, इस कैद में कौन भोजन लेकर के आया। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी क्या बताऊं मैं आपको, आप इतना नहीं समझ पाते हैं, ये तो आपकी बनाई कैद है, जब मैं मां के गर्भ में था उस कैद में तो 9 महीने तक मुझे भोजन किसने दिया, वहां को आपको कुछ चिंता थी मेरी, मां के गर्भ में मैं जब उल्टा लटका था वहां भोजन किसने पहुंचाया, और जब मेरा जन्म हुआ तब कौन सा आपने मुझे भोजन दिया, दांत नहीं थे तो भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था कर दी, मां के स्तनों पर ही मेरे लिए दूध बना दिया, अरे आपने कौन सी व्यवस्था की, जब जवान हो गया बड़ा हो गया तब मैं आपका बेटा, लेकिन गर्भ में तो उस परम पिता परमात्मा ने ही भोजन दिया है, उससे इससे बड़ी कैद तो वहां है जब वो वहां भी पाल सकता है। जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए कछु और भी देगो, जो जान को देत अजान को देत, जो सब को देत वो मोहे भी देगो, जो सबको देता वो मुझे भी देता है। पिताजी ने भी कान पकड़ दिए, मेरे बस का नहीं है, गुरुजी आए बोले हमें दे दो सुधार लेंगे हम देख लेंगे इसको, बहुत समझाने की कोशिश करी गुरुजी ने लेकिन नहीं समझा, गुरुजी की भी खोपड़ी में दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, बांध दिया रस्से से, गुरुजी चले गए बाजार और प्रहलाद जी को छोड़ दिया आंगन पर। बच्चे आए सारे के सारे, बच्चों ने समझाया प्रहलाद क्यों करता तू ऐसा, जब गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़, प्रहलाद ने कहा जब मुझे वो स्वीकार ही नहीं है ऐसा तो मैं क्यों पढ़ूं। अच्छा तो ये भजन कहां से सीखता तू, ये कीर्तन भजन सत्संग ये क्या सब क्या है, कहां से सीख रहा है तू ये। प्रहलाद जी ने कहा अपने मित्रों को समझाते, मित्रों ये समस्त प्रपंच भगवान का बनाया हुआ क्रीड़ा स्थली है, छिंदा तदंगम यदुनात्मदोहितम शेषम सुखम जीवति यद्विवर्जितम सुखम इंद्रियकम दैत्यं देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुःखमयत्नतः। मित्रों सुख दुख हानि लाभ इस संसार में शरीर की धर्म है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमें केवल आप सोचते हैं कि सब ये सब विद्याएं पढ़ करके हम सुखी हो सकेंगे, मित्रों मैं आपसे कहता हूं सुखम इंद्रियकम दैत्यम देह योगेन देहिना, देहधारियों को भगवान ने सुख और दुख उसके कर्मानुसार सब विभक्त कर रखा है, सब दे रखा है, लेकिन होता क्या है जिस प्रकार से दुख जीवन में आता है बिना मेहनत के, यथा दुख मयत्नदा, जिस प्रकार से बिना परिश्रम के जीवन में दुख आता है उसी प्रकार से बिना परिश्रम के सुख भी आ जाता है। अच्छा प्रहलाद लोग कहते हैं कि भजन पूजन ये पूजा पाठ सब बुढ़ापे में करना चाहिए, जब कोई बुढ़ापा आ जाए तो प्रहलाद जी ने कहा कि सुन लो मैं समझ लेता हूं तुम्हारी बात, मान लेते हैं तुम्हारी उम्र कितनी है,
टोटल उम्र। तो विद्यार्थियों ने कहा कि 100 साल है, कम से कम 100 साल तो है। तो बोले ठीक है 100 साल, 12 घंटे की दिन है, 12 घंटे की रात है, 12 घंटे सोते हो, जीवन के 50 साल सोने में बिताए, कितने बचे? 50 साल बचे। 50 में से बचपन के 20 साल निकाल दो, खेलने में लगा रहता बच्चा, 80 के बाद के 20 साल भी निकाल दो, क्योंकि 80 के बाद तो न तो भजन न पूजन न कुछ नहीं होगा, बस जहां बैठा दिया वो वहीं बैठा रहेगा, जिधर बैठा दिया बस मूर्ति बैठी रहेगी वहीं पर, हिलेगी नहीं कहीं। अब कितने बचे? 10 साल। 10 साल में शादी भी करनी, बच्चे भी होंगे उनकी शादी, विवाह, घर परिवार, घोड़ा गाड़ी, क्या क्या नहीं बनाना, ये 10 साल में कब तक बनेगा? फिर भगवान का भजन कब करोगे? इसलिए मित्रों जब समय लगे तब ही शुरू कर देना चाहिए, अपने जीवन में एक नित्य नियम बनाइए मित्रों, भगवान के लिए समय अवश्य निकालना है। प्रहलाद तेरे साथ नृत्य करने का मन करता है? तो बोले पर मना किया किसी ने? अगर मन करता है तो नाचो ना, कीर्तन करने का मन करता है नाचिए। और बीच में प्रहलाद जी, चारों तरफ प्रहलाद के मित्र नाचने लगे, तालियां बजा के थोड़ा सा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, ओ मिलो मानुष जन्म गाइए, मिलो मानुष जन्म मो, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मानुष जन्म अनमो, मिलो मानुष जन्म अनमो, ओ लता मानुष जन्म अनमो, ओ लता मानुष जन्म अनमो, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बो, मिलो मानुष जन्म अनमो, मिलो मानुष जन्म अनमो। मुश्किल सी नर्तन पाई, बड़ा मुश्किल सी नर्तन पाई, बड़ा मुश्किल सी। अरे सुनो सुनो, ऐसा नहीं चलेगा काम। अरे प्रहलाद जी नाच रहे हैं भाई, आप समझे नहीं बात? उठो जरा अपनी जगह पर, उठिए उठो अपने अपने स्थान पर, भक्त प्रहलाद जी के साथ नाचेंगे सब, उठिए हमारे मुख्य यजमान जी, चलिए। बड़ा मुश्किल से नर्तन पाई, 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 यो भी लाटा तूने सूद कमाई, यो भी लाटा तूने सूद कमाई, ओ मोह माया से अब तुम मुख मोड़, मोह माया से अब तुम मुख
से जन्म अनमोल कृष्ण गोविंद गोपाल बोल कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल मिलो मानुष जन्म अनमोल मिलो मानुषी जन्म अनमोल अपना भगतों का कष्ट मिटाउंदन 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 बुढ़ापन माते अब तो कुछ सोच बुढ़ापन माते अब तो कुछ सोच मिलो मानुष जन मिलो मानुष जन्म अनमो ओ मिलो मानुष जन्म अनमो मिलो मानुष जन्म अनमो बचपन बीती तरुणी आई जानी का जोश माँ कुछ नचताई 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 ओ अब ऐ बूढ़ा पहरी बोल अब ऐ बूढ़ा पहरी बोल मिलो मानुष जन्म मिलो मानुष जन्म अनमो मिलो मानुष जन्म अनमो मिलो मानुष जन्म अनमो कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल 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 ओ मिलो मानुष जन्म अनमो मिलो मानुष जन्म अनमो ओ मिलो मानुष जन्म अनमो मिलो मानुष जन्म अनमो ओ मिलो मानुष जन्म अनमो जन्म अनमो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त प्रहलाद जी बीच में नारे नाच रहे हैं और चारों तरफ शिष्य नाच रहे हैं, बीच में गुरु जी भी आप जैसे ही पहुंची अट्टहास जो गूंज कीर्तन की हिरण्यकश्यप तक दौड़ पड़ा हिरण्यकश्यप आज गदा लेकर के जो अट्टहास मारी जहां जो जहां था नाच रहा था वहीं का वहीं रह गया। छोटे छोटे बच्चे सारा करते बोले प्रहलाद देख तेरे पापा आ गए।
आगे तेरे पिताजी अब क्या हाल करते हैं ये तो तेरे को पता होगा। प्रहलाद जी ने सारा क्या चिंता मत करो, मेरे को इतना मारा कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होता। जोर से पकड़ा प्रहलाद का हाथ। प्रहलाद, जिस नारायण को तू बार बार पुकार रहा है, जिसके नाम का संकीर्तन कर रहा, बताओ वो कहां रहता है? प्रकट कर सकता कहीं? पिताजी वो कहां नहीं है, हर जगह व्याप्त है, बस वो एक चीज से प्रकट होता है। कैसे? देवो सुरो मनुष्यो वा यक्ष गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणान स्वस्ति मांसा यथा वयम्। एक चीज से प्रकट हो जाते हैं भगवान, केवल प्रेम से प्रकट होते हैं, और कोई भी चीज उनको प्रकट करने के लिए नहीं है। अच्छा, कहां कहां रहता तेरा भगवान? इस खंभ में है, सामने एक खंभ था लोह खंभ, इसमें है तेरा भगवान? बोले हाँ, सब जगह व्याप्त है। प्रहलाद जी भगवान का मन ही मन ध्यान करने लगे, प्रभु आज तो आपको आना होगा, क्योंकि आज मेरी नहीं अब आपका सवाल है, क्योंकि लोग कहेंगे भक्त प्रहलाद ने इतनी भक्ति करी फिर भी भगवान नहीं आए। तो विष्णु पुराण में आता है कि वो खंभ को लाल कर दिया गया था, उस पर प्रहलाद जी ने चींटियों को चलते हुए देखा, लाल खंभ पर चींटियां चल रही हैं। प्रहलाद जी को दिख गया बस भगवान जरूर आएंगे। जैसे ही गदा की चोट मारी धड़ाम से, वैसे ही उस खंभ में से नरहरि नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, जय श्री राधे। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान का तेज देवता भी वे सहन न कर सके, इतना भयंकर तेज नरसिंह भगवान का। दौड़ पड़े नरसिंह भगवान और तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ा, पकड़ करके अपनी गोद में सुला दिया, जोर से जैसे कस करके पकड़ा। हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनिए आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है। भगवान नरसिंह भगवान ने कहा, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता है। क्या वरदान लिए हैं? दिन में मरो न रात में, सुबह न शाम। बोले गोधूली का समय है, धरती में नहीं, जब आसमान में नहीं, घुटनों पर रखा है तुझे, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, नाखून देख रहा है, इनसे ही फाड़ूंगा आज तुझे। महाराज विशेष एक वरदान और है कि मैं 12 महीने में से किसी में मैंने न मरूं, इसलिए तेरे लिए 13वां महीना बनाया। कौन सा? ये पुरुषोत्तम मास, इसी मास ये भगवान नरसिंह के लिए ही प्रकट हुआ था। ये मास भगवान भगवान ने ये पुरुषोत्तम मास हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही बनाया, तेरे लिए 13वां महीना। और जोर से आंतरे पेट फाड़ करके हिरण्यकश्यप की आंतें बाहर निकाल दी, तलवार ढाल सब छूट गए। प्रहलाद सामने खड़े हैं, भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। देवता लोग स्तुति करने लगे, अपने अपने हिसाब से सब स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, न तो उसमें हंताय दुरंत सकते विचित्र वीर्यार्य पवित्र कर्मणि। हे प्रभु, आपने इस दुष्ट को मार करके संसार को भय मुक्त कर दिया है। ऋषियों ने तो प्रार्थना की, तुम नपस्तम परमात्मा दया तेजो ये नेदनम पुरुषमावर्गम सुत्रज्जा। आपने इस दुष्ट को मार करके हमें अभय दान दे दिया है। हे पुरुषोत्तम, आपने तपस्या से ही अपने में लीन जगत को प्रकट किया था, जगत की रचना करी थी। इस दैत्य ने तपस्या से ही कृपा प्राप्त की थी और आपने इसका उद्धार कर दिया है। पितृ देवताओं ने स्तुति की भगवान नरसिंह की, हे प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान किया करते थे, ये दुष्ट उनको खा जाता था, आपने इसका पेट फाड़ करके मानो वो उन पिंडों को वापस ले लिया हो, ऐसा हमें ऐसा विश्वास है कि आपने इसका पेट फाड़ करके वो पिंड को वापस ले लिया है। और अनेक प्रकार के सिद्धों ने, चारणों ने, विद्याधरों ने, इन सब ने, नागों ने भी स्तुति करी, प्रभु इस दुष्ट ने हमारी पत्नियों को, हमारी मणियों का हरण करके, पत्नियों का हरण कर दिया था, इसको मार करके आपने हमें भी भयमुक्त कर दिया है। मनु महाराज ने स्तुति की, प्रजापतियों ने की, गंधर्वों ने स्तुति की, लेकिन किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए।
दूर भागे देवता सबके सब। अंत में देवताओं ने कहा एक काम हो सकता है, लक्ष्मी माता को बुला करके लाए। लक्ष्मी मैया के पास गए, भैया आज आपके पतिदेव भयंकर क्रोध में हैं। मेरे पति क्रोध में कभी हो ही नहीं सकते हैं, हम बता रहे हैं। अरे नहीं है भाई, क्यों? मेरे पति तो परम शांत हैं, शेषनाग की सजा पर सोने के बाद भी वो परम शांत रहते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, परम शांत हैं, उनको क्रोध कैसे आ सकता है। आरती की थाली सजा करके लक्ष्मी मैया बैकुंठ से पहुंची तुरंत करके, और थाली जैसे घुमाने लगी भगवान नरसिंह ने घर से आवाज करके और तुरंत आरती की थाली वहीं छोड़ दी। दैया मैया करती हुई मैया भी पहुंची बैकुंठ लोक में। अब ब्रह्मा जी ने कहा और की बस का नहीं है, प्रहलाद बेटा तेरे लिए ही भगवान आए हैं, तो ही उनको शांत कर सकता है। प्रहलाद जी भगवान के नजदीक गए, भगवान ने तुरंत प्रहलाद जी को पकड़ लिया, सिर चाटने लगे भगवान, प्रहलाद का अपने सिर पर बिठा दिया भगवान को। प्रहलाद जी को भगवान ने पूछा बेटा ये जितने देवतागण हैं सबके सब, जितने ऋषि मुनि महात्मा जितने सिद्ध लोग आए हैं सबके सब मुझे देख करके भाग गए डर के मारे, तुझे नहीं लगा डर, तू नहीं डरा? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये सब भाग गए हैं लेकिन मैं इसलिए नहीं भागा हूं क्योंकि मैं तो आपका बेटा हूं।